रोजगार कार्यालय में 20 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमीरपुर में आयोजित किए जा रहे इस रोजगार मेले में जिला के विभिन्न भागों से 20,000 लोगों के आने की संभावना है। रोजगार मेले में 8वीं, 10वीं व 12वीं पास 18 से 26 आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इस मेले के दौरान पुरुष व महिला दोनों वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। वर्धमान कंपनी के प्रतिनिधि इस रोजगार मेले के दौरान अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। रोजगार मेले में भाग लेने वाले पात्र अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है। 100 पदों को भरने के लिए आयोजित किए जा रहे इस रोजगार मेले के दौरान पात्र अभ्यर्थियों को अपनी पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र व बोनोफाइड प्रमाण पत्र 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक रोजगार कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय के अधिकारी योगराज धीमान ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 6,500 रुपए का वेतनमान दिया जाएगा। ये ऑरो टेक्सटाइल यूनिट है, ये वर्धमान का, और ये साई रोड बद्दी सोलन से, यहाँ से इनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और ये 100 डिग्री अप्रेंटिसशिप उन्होंने रखने हैं बच्चे, और इन युवाओं के लिए क्वालिफिकेशन जो है ना वो है 8वीं से 10+2 पास। जो फ्रेशर बच्चे हैं वो उन्होंने रखने हैं 18 से 26 वर्ष के बच्चे, उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपनी वहाँ करवाएगी। ये अप्रेंटिसशिप उनको रखा जाएगा, पहले महीने अप्रेंटिसशिप में ये इनको स्टाइपेंड जो है 6,500 रुपया पहले और दूसरे महीने, और उसके बाद जो 5 महीने उन्हें 7,710 रुपया स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद ये कंपनी जो है, जो ठीक से बच्चे अच्छे वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे, उन्हें रेगुलर पेरोल पे भी कंपनी रखेगी। PI TV के लिए हमीरपुर से पवन की रिपोर्ट।